नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं पीस ट्यूब। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान की चंडीगढ़ में लॉन्चिंग सेरेमनी। पंजाब और हरियाणा के महामहिम राज्यपालों ने शामिल होकर कार्यक्रम की बढ़ाई गरिमा। अजमेर में 200 समाज सेवियों का सम्मान समारोह, संस्था के समाज सेवा प्रभाग का आयोजन। और सेंट पीटर्सबर्ग के लाइट हाउस सेवा केंद्र पहुंचे ट्रू ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्क बिशप फादर जॉन। बीके संतोष से हुई स्पिरिचुअल टॉक। अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चंडीगढ़ में दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान की लॉन्चिंग सेरेमनी। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पंजाब के महामहिम राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई। टैगोर थिएटर में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में पंजाब जोन प्रभारी बीके उत्तरा, चंडीगढ़ सेक्टर 15 सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश, कई IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स समेत हजारों लोगों की मौजूदगी में दोनों राज्यों के राज्यपालों ने संस्थान द्वारा की जा रही आध्यात्मिक सेवाओं की जमकर सराहना की। शरीर यहाँ पर है, मन यहाँ रहता है। ये स्थिति को हम काबू में रखने के लिए जो आध्यात्मिक प्रेरणा जो जरूरत है, साधना जरूरत है, वो साधना ही हमको आगे बढ़ा सकता है। वो साधना दिलाने वाली संस्था ब्रह्म कुमारी समाज। धर्म के क्षेत्र में इतना बड़ा संस्थान, इस तरह का काम करने वाला दूसरा नहीं है। इसमें कोई आर्गुमेंट कर ही नहीं सकता। बता दो, दूसरा है क्या? और आज नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बात है, 1984 या 85 में मैं सेमिनार में माउंट आबू गया था। आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जहां बीके अनीता ने दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान द्वारा की जाने वाली सेवाओं का जिक्र किया, तो वहीं बीके उत्तरा ने सभा में मौजूद लोगों का धन्यवाद करते हुए अभियान की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो है अजमेर से। अजमेर के केकड़ी सेवा केंद्र एवं संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा मानवता के संरक्षण, समाज सेवी कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 200 समाज सेवियों को समाज सेवा के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी जीवन में शामिल करने का संदेश दिया। हमारे जीवन में कितनी सारी बातें कौन सा सोचते हैं, कितने बार सोचते हैं और कौन सी बातें सोचते हैं? जितने बार हम किसी भी थॉट्स को रिपीट करते हैं, तो रिपीट इज इक्वल टू मन। अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता ने अपने 65 वर्षों की ईश्वरीय सेवाओं का अनुभव सुनाते हुए सभी को निस्वार्थ समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। परमात्मा है कौन? परमात्मा का सत्य परिचय क्या है और परमात्मा रहते कहाँ है और परमात्मा इस सृष्टि पर आते कब है जब उसका कोई शरीर रूप नहीं है। कार्यक्रम में माउंट आबू से मीडिया प्रभाग के बीके प्रकाश, बीके कीर्ति, रावत भाटा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंकिता मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शामिल हुए समाज सेवियों को मेमेंटो देकर उनका सम्मान बढ़ाया। कर्नाटक के बांगरपेट सेवा केंद्र द्वारा स्नेह सागर भवन सेंटर के 10वीं वार्षिक उत्सव पर कार्यक्रम रखा गया। 3 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन 108 द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं चैतन्य नव दुर्गा दर्शन का उद्घाटन सांसद SN नारायण स्वामी ने किया। इसके दूसरे दिन आजादी के अमृत महोत्सव वन वर्ल्ड फैमिली इंटरफेथ रिलीजन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें श्री महादेव स्वामी जी, कन्नड़ संघ की प्रेसिडेंट डॉ. पल्लवी मणि, TMC काउंसलर अरोकिया राजन, इस्लाम कम्युनिटी से इमाम साहब बीके शकुंतला मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं अंतिम दिन राज्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की बीके राजेश्वरी ने परमात्मा की दिव्य पहचान एवं उसके कर्तव्यों पर प्रकाश डाला।
पश्चिम बंगाल बालूरघाट के जेल में महिलाओं के लिए व्यवहार शुद्धि, कर्म गति और अपराध मुक्त जीवन विषय पर प्रोग्राम रखा गया, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बी के भगवान ने कहा कि यह कारागृह आपके जीवन को सुधार लाने हेतु तपोस्थल है। व्यक्ति जब कर्म गलत करता है उसका दुख हमको ही भोगना पड़ता है, इसीलिए अब हमें अपने रहे भी जीवन में क्या करना है, सदा अपने कर्म अच्छे करना है। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बी के पूनम, बी के शर्मिष्ठा ने कैदी महिलाओं को बदलने का संकल्प कराते हुए मेडिटेशन कराया। ऐसा ही पश्चिम बंगाल के गंगारामपुर की मारवाड़ी धर्मशाला में सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्ति विषय पर सेमिनार किया गया, जिसमें बीएसएफ के मेजर गणेश चंद्र रॉय, बालूरघाट सेवा केंद्र प्रभारी बी के पूनम, गंगाराम सेवा केंद्र प्रभारी बी के रमण समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सेमिनार में बी के भगवान ने तनाव मुक्त रहने के लिए नकारात्मक बातों को ज्यादा ना सोचकर सकारात्मक विचारों का सेवन करने की बात कही। जब व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है, नाजुक नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बंगाली न्यू ईयर के उपलक्ष्य में भालो ठाकुर प्रतिदिन कार्यक्रम रखा गया, जिसका विषय रहा पासवर्ड फॉर हैप्पीनेस। कार्यक्रम का शुभारंभ फिजिशियन डॉक्टर सुखदेव भट्टाचार्य, हेमतपुर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर समीर गांगुली, योगा टीचर इंद्रजीत रॉय, सेवा केंद्र प्रभारी बी के रूमा समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस सुंदर मौके पर बी के रूमा ने बिजी रहकर भी इजी रहने की टिप्स दी। प्रोग्राम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात दी गई, जहां सभी के चेहरे पर उमंग उत्साह एवं खुशी नजर आ रही थी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रता व सकारात्मक सोच सबसे ज्यादा जरूरी है। हर कार्य में ईश्वर से मदद लेकर, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से व अच्छे लोगों के संपर्क में रहकर हम सकारात्मक विचार प्राप्त कर सकते हैं। ये बातें आयुर्वेदिक महाविद्यालय के नए बैच के छात्र छात्राओं के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर आयोजित कार्यशाला में संबोधित करते हुए टिकरापारा सेवा केंद्र के प्रभारी बी के मंजू ने कही। कार्यक्रम के अंत में बी के मंजू ने सभी को जरूरत पड़ने पर निःशुल्क काउंसलिंग व मार्गदर्शन हेतु सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही गीत के माध्यम से एक्यूप्रेशर क्लैपिंग व सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कराया एवं मेडिटेशन कमेंट्री के साथ योग भी कराया। बेंगलुरु विवीपुरम के इसरो लेआउट सेवा केंद्र एवं संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा कोविड-19 की विकट परिस्थितियों में अपनी दिन रात सेवाएं देने वाले योद्धाओं के लिए चिकित्सकों का अभिनंदन समारोह किया गया। इस समारोह में सागर एवं नेबरहुड हॉस्पिटल के करीब 60 डॉक्टर्स को उनकी निडर सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीके मेघा ने सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद करते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। रुक करते हैं यूपी की तरफ। यूपी हाथरस आनंदपुर कॉलोनी के सहज राज्य प्रशिक्षण केंद्र के लोटस हाउस का वार्षिक उत्सव समारोह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र सिंह, प्रभारी बी के शांता, बी के उमा समेत कई पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। यहां सभी अतिथियों ने संस्थान की सराहना करते हुए सेवा केंद्र के वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के केसली सेवा केंद्र पर मीडिया सेमिनार किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत आयोजित इस सेमिनार में आईटी एक्सपर्ट डॉक्टर के कृष्णा राव, इंक मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष द्विवेदी, कवि एवं लेखिका अंबिका यादव, भोपाल से मोटिवेशनल स्पीकर बी के आशीष, सेवा केंद्र प्रभारी बी के संध्या समेत कई वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। सेमिनार में समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषय पर सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया।
ब्रह्म कुमारी संस्थान के ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल विंग के संयुक्त तत्वाधान में अमृत महोत्सव सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही कार्यक्रम झारखंड के जमशेदपुर के कई स्कूल्स, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, सूर्य मंदिर जैसे कई स्थानों पर आयोजित किए गए, जहाँ सैकड़ों लोगों ने सड़क सुरक्षा के सभी नियमों को दृढ़ता पूर्वक जीवन में धारण करने का संकल्प किया। कार्यक्रम के अंत में बीके सुभाष, बीके महेश ने सभी से नशा मुक्त जीवन बिताने की प्रतिज्ञा कराई। वही कोल्हान की प्रभारी बीके अंजू ने संस्थान की सेवाओं की सराहना की। अब कुछ खबरें एक नजर की। मध्य प्रदेश के रीवा द्वारा स्वच्छता नशा मुक्ति राजयोग पर लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, एमपी विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम मुख्य रूप से हुए शामिल। देवतालाब सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता ने हजारों की संख्या में लोगों को दिया आध्यात्मिक ज्ञान। वही रीवा कोतवाली थाने में नशा मुक्ति पर रखा गया सेशन, कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी रहे मौजूद। बीके प्रकाश ने नशा मुक्त होकर समाज को नशा मुक्त बनाने का कराया संकल्प। अमृत महोत्सव के अंतर्गत एमपी के शाजापुर में लगाया गया किसान मेला। संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर किसान अभियान को किया गया सम्मिलित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने किसानों को जैविक खेती के साथ साथ यौगिक खेती करने पर खिंचवाया ध्यान। बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने लिया लाभ। चंडीगढ़ सेवा केंद्र पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर सेमिनार, सेंट स्टीफन स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया पार्टिसिपेट। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम के साथ बच्चों ने पौधे लगाकर मां प्रकृति को हरा भरा रखने का किया संकल्प। संस्थान के मेडिकल प्रभाग एवं वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र द्वारा एलर्जी एंड पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन कैंप का उद्घाटन। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रताप मिड्डा, मेडिकल प्रभाग की ज्वाइंट नेशनल सेक्रेटरी बीके डॉक्टर निरंजना समेत कई डॉक्टर्स मुख्य रूप से रहे उपस्थित। राजस्थान के भीड़माल सेवा केंद्र द्वारा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। लगभग 350 मरीजों की आंखों की हुई जांच, 42 मोतियाबिंद के मरीजों का चयन कर भेजा अस्पताल। बीके गीता ने मानव सेवा के लिए पुण्य कर्म प्राप्त करने की दी प्रेरणा। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ईस्टर वीक के तीसरे दिन रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित लाइट हाउस में एक फैमिली गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रू ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप फादर जॉन का आना हुआ। आपको बता दें, फादर जॉन लाइट हाउस में दोबारा आए हैं। उन्हें यहाँ का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बहुत प्रभावित करता है। लाइट हाउस के डायरेक्टर बीके संतोष से उनकी लगभग आधे घंटे तक स्पिरिचुअल बातचीत हुई। बीके संतोष ने दीवार पर लगे चित्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह तस्वीर निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव की है, जो हम सभी ह्यूमन सोल्स के फादर हैं, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। यह हम पर अपना असीम प्यार लुटा रहे हैं। इस बातचीत में फादर जॉन ने कहा कि पूरी मानव जाति एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसलिए हम सभी ह्यूमन सोल्स को गॉड फादर से एनर्जी लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़ना पड़ेगा। बीके संतोष ने चर्चा में फादर जॉन को लाइट हाउस के 32 साल पूरे होने के मौके पर स्पिरिचुअल सर्विस के विस्तार के लिए बनाए गए आगे के प्लान्स की जानकारी दी। इसके बाद फादर जॉन ने मेडिटेशन रूम में कुछ देर मेडिटेशन भी किया। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें, और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।